जेपी नड्डा संबोधन कर रहे हैं। सिंह वगेला जी हमारे प्रदेश के महामंत्री, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारे किसान मोर्चा के सभी पदाधिकारीगण, वरिष्ठ साथीगण और पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज ये जो आप किसान सम्मेलन की दृष्टि से और किसान पंचायत जो आपने तय की है, जिसमें आप लगभग 182 विधानसभा कंस्टिट्यूएंसीज में आप ई बाइक लेकर के लगभग 14,200 गांव तक संपर्क करने वाले हैं, ऐसे कार्यक्रम का श्री गणेश करने का और नमो किसान पंचायत में शिरकत करने का, आपके साथ सहभागी बनने का मुझे मौका मिला है। सबसे पहले तो मैं आयोजकों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया। मुझे बताया गया कि एक ई बाइक पर LCD की स्क्रीन लगाई गई है, उस LCD स्क्रीन के साथ साथ आप नमो किसान पंचायत और 14,200 गांव में आप जाएंगे और संपर्क करेंगे और किसानों को जो भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में जो किसानों के लिए योजनाएं बनाई हैं उसके बारे में आप उनको विस्तृत रूप से बताएंगे, भी चर्चा भी करेंगे और साथ में प्रदेश सरकार ने जो उसमें अपने आप को जोड़ करके उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है उसमें भी आप चर्चा करके उन तक इस सारी बातों को ले जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं आपको, आप इस कार्यक्रम को यशस्वी बनाएं, इसको सफलता दिलाएं और किसान भाइयों तक सारी बातों को पहुंचाने का आप प्रयास करेंगे। लेकिन मित्रों, इसके साथ साथ मैं कुछ आपके साथ कुछ गहराई से और तफसील से कुछ बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। देश की राजनीति को मैंने जब से होश संभाली है तब से बहुत गहराई से देखा है। बहुत से देश के ऐसे नेता हुए जिन्होंने अपने आप को किसान नेता के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। एक विशेष प्रयोजन के तहत उन्होंने अपने साथियों से, अपने लोगों से चर्चा करके किसान नेता की उपाधि और किसान नेता का स्थान लेने का प्रयास किया। लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहता हूं कि सभी लोगों ने किसानों का योजनाबद्ध तरीके से नाम तो उपयोग किया लेकिन किसानों के लिए धरती पर कुछ नहीं किया। अगर किसानों के लिए धरती पर किसी ने आजाद भारत में किया है तो वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, यह मैं बताना चाहता हूं। और सिर्फ मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, हर दृष्टि से अगर मैं बात करूं योजनाओं की तो सबसे पहले तो मैं इस बात को आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि कोरोना का पैंडेमिक आया, शताब्दी का सबसे बड़ा त्रासदी थी, सब लोगों ने चर्चाएं की। एक शताब्दी पहले जब त्रासदी आई थी तो बीमारी से ज्यादा लोग भुखमरी से मर गए थे, बीमारी से ज्यादा भुखमरी से मर गए थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाकर 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और दाल देकर अपनी गरीब जनता, अपने साथी लोग सबको उन्होंने मजबूत करने का प्रयास किया और इस माध्यम से, इस गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश को बीमारी से भी लड़ने का ताकत दी और साथ ही साथ हमारे यहाँ कोई भूखा न सोए इसकी चिंता की। इस बात को हमको याद रखना चाहिए और आज दिन तक वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की स्कीम चल रही है। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की, आज दिन तक किसी ने नहीं सोचा कि किसानों को भी दैनंदिन जीवन में अपने उपज को बढ़ाने के लिए उनको कुछ आर्थिक मदद चाहिए, कभी नहीं सोचा और कोई योजना इसके लिए नहीं बनाई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 3 करोड़ नहीं, 4 करोड़ नहीं, 11 करोड़ किसानों के खाते में हर तीसरे महीने में 2,000 रुपए पहुंचाने का प्रयास किया और आज
1,36,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले। और मैं आपको इसकी विशेष बात बताना चाहता हूं, एक समय में एक प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे ही जाते हैं, बाकी सब पता नहीं कौन सा वो हाथ है जो सारे का सारा पता नहीं कहां ले जाता है, कहां किस हाथ में फंस जाता है मालूम नहीं। लेकिन 31 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिमला के रिज मैदान से 31 मार्च नोट कीजिए एक बटन दबाया, चार जी मैं ठीक बोल रहा हूं, एक बटन दबाया और 15 सेकंड के अंदर 11 करोड़ किसानों के खाते में 37,000 करोड़ रुपए चले।